हेलो एंड वेलकम टू माय शो बॉबी द मैटिनी आइडल। दोस्तों लेटेस्ट न्यूज़ यही है कि पीवीआर आइनॉक्स अपने 50 स्क्रीन्स को शट डाउन कर रहे हैं बिकॉज दे गॉट अ ह्यूज लॉस ऑफ 333 क्रोर्स। इतना लॉस हो गया है तो 50 स्क्रीन शट डाउन कर रहे हैं। देखो मल्टीप्लेक्स ये तो होना ही था क्योंकि मल्टीप्लेक्स में इतने हाई रेट्स होते कि ऑडियंस फिल्म देखने को भी जाने को 10 बार सोचेगी। अब मिडिल क्लास आदमी तो 10 बार सोचेगा कि जाओ क्या नहीं जाओ। चलो अमीरों के लिए ठीक है, लोग जाके फिल्म देख सकते हैं, लेकिन वो लोग भी सभी फिल्में देखते हैं। और सबसे बड़ी बात आज की तारीख में जो बॉलीवुड की फिल्में बन रही है वो अगर मल्टीप्लेक्स में आदमी 500 रुपये 800 रुपये 1000 रुपये कुछ जो है 3000 की टिकटें होती है वो कौन देखने जाएगा दोस्तों। तो मेरे हिसाब से जो पहले का दौर था सिंगल स्क्रीन का वही बेटर था। अब ये लोग क्या करते हैं, जैसे अपने स्कूल में कहानी सुनी होगी जो लोग स्कूल गए होंगे कि एक आदमी को एक मुर्गी मिलती है जो रोज़ सोने का अंडा देती है, तो वो क्या बोलते हैं एक बार मुर्गी काट के सारे अंडे ले लूँ। तो यही मल्टीप्लेक्स वालों का यही है, एक ही हफ्ते में पूरा पैसा बटोरने के चक्कर में होते हैं ये आजकल के जनरेशन के प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर डिस्ट्रीब्यूटर और मल्टीप्लेक्स वाले। उनको 25 वीक 50 वीक चलाने की ज़रूरत नहीं, उनको एक ही बार वो मुर्गी काट के सारे अंडे ले लेने के, तो इसमें गड़बड़ हो जाती है। अगर फिल्म फ्लॉप निकली तो गया कपड़ा हो गया पिक्चर का, कोई हिस्सा पे पैसे कवर नहीं हो गए। 80s और 90s में फिल्में फ्लॉप होती थी लेकिन उसके बावजूद भी रिकवर हो जाता पैसा क्योंकि द रेट्स वर लेस लाइक रीजनेबल रेट्स, और जो अंदर जो कैंटीन होती उसके भी रीजनेबल रेट होते थे, तो लोग फ्लॉप फिल्म भी जाके देखते थे और डिस्ट्रीब्यूटर का पैसा आ जाता था। तो इट वॉज वेरी रेयर दिस टू गो इन लॉस। और आज की तारीख में तो मतलब 500 की मॉर्निंग शो में 150-200 रुपये की टिकटें रहती है, बाकी आगे जाके 300-500-1000-1500 की टिकटें रहती है, तो फिर मिडिल क्लास में कैसे दिखने जाएगा। इसलिए कंगना रनौत ने भी ट्वीट किया है कि मल्टीप्लेक्स वाले आम आदमी की पूरी सैलरी ले लेते हैं। और देखा जैसे कि गीटी गैलेक्सी में देखो तो एकदम रीजनेबल रेट्स 130 रुपीज़ के गरीब आदमी आके फिल्म देख सकते हैं, और समोसा पॉपकॉर्न भी वहाँ पे 50 रुपये मिल जाता है। तो यार गरीब आदमी देख सकते हैं फिल्म, मिडिल क्लास अपनी पूरी फैमिली के साथ फिल्म देख सकते हैं गेटी गैलेक्सी में क्योंकि रीजनेबल रेट्स है। और मल्टीप्लेक्स में कौन आएगा यार, जैसे कि मैं आपको बहुत पहले की बात बताता हूँ 2000 की बात जब मूवी टाइम सब अब सब ओपन हुए थे तब गेटी गैलेक्सी में 40 रुपये था टिकट रेट, और जो समोसे थे उसका रेट था 20 रुपीज़। और वही समोसा जो साइन में मुंबई के साइन जगह साइन नाम की कोई जगह है वहाँ बनता है A1 समोसा, वही समोसा मूवी टाइम में भी मिलता है लेकिन रेट वहाँ पे रेट इज 100 रुपीज़। कहाँ 20 और कहाँ 100, सेम क्वालिटी समोसा फ्रॉम सेम प्लेस A1 समोसा। और वहाँ पे टिकट उस वक्त 200 रुपया थी मॉर्निंग शो में 200 रुपया और 100 रुपीज़ का समोसा। हाउ द ऑडियंस आर गोइंग टू वॉच, धीरे धीरे उन्होंने मॉर्निंग शो का 100 रुपीज़ कर डाला क्योंकि पब्लिक आ ही नहीं रही है। इस वजह से ये लोग जिस तरह से शोज़ बढ़ाते पैसे बढ़ाते किस तरह सब पैसा कवर करने के चक्कर में होते वैसा नहीं होता। वो सिंगल ज़माना ही अच्छा था क्योंकि वो फ्लॉप फिल्म भी पब्लिक देखने आती थी और 25 वीक 50 वीक फिल्म चलती थी और पता भी चलता था कि पिक्चर का क्या क्रेज़ है। अभी वो मज़ा नहीं, बात ही नहीं। मल्टीप्लेक्स की वहाँ फिल्म देखने जाओ तो पता भी नहीं चलता कि आदमी फिल्म देखने आए कि कपड़े खरीदने आए। अभी गेटी गैलेक्सी के बाहर आप जाओ तो आपको धूम लगी यार, मतलब एक माहौल होता है रे, आप फिल्म का जो माहौल होता है वो सब माहौल होना चाहिए। जैसे कि एक ज़माने में एडवांस बुकिंग के हुए पब्लिक 80s 90s में पब्लिक लंबी कतार लगती थी टिकटों के लिए, वो भी आज देखने को मिला जब बुक माई शो में जब सब चले गए जब चाहो जब टिकटें ले लो। चलो वो ठीक है लेकिन टिकटें इतनी महंगी हो गई तो लोग देखते ही नहीं है। जैसे कि हमको एक प्रोड्यूसर ने टिकट्स दी थी कुछ मलाड है गोरेगांव में कोई मल्टीप्लेक्स था, वहाँ पे हम लोग गए थे आई सोनू विजय जी और सब लालू जी हम सब वहाँ कोई फिल्म देखने गए थे। प्रोड्यूसर ने हमें टिकट दी थी और हमको पैसे भी देते कि खाना पीना सब खा लेना। अब वहाँ जाके के देखा तो जो पानी की बॉटल थी ना बिस्तरे की डेट वॉज द चीपेस्ट थिंग वो थे 100 रुपीज़ जो 20 रुपये की मिलती है, जस्ट इमेजिन। तो उतना चीपेस्ट थिंग 100 रुपीज़ पानी का बॉटल जो एक्चुअली MRP 120 रुपीज़। तो हाउ कैन अ मिडिल क्लास पर्सन गो एंड वॉच फिल्म हो रहा है। हमको तो प्रोड्यूसर ने पैसा दिया था ठीक है लेकिन अगर दूसरे लोग कैसे जाएंगे देखने को, और अमीर लोग सब फिल्में तो देखते नहीं हैं जाहिर बात है, इतने सारे स्क्रीन में फिल्म लगाते हैं वो लोग, इतने सारे शोज रखते
पर ऑडियंस होती नहीं है तो स्क्रीन तो शट डाउन ही करने पड़ेंगे। तो कम रेट रखो तो ज़्यादा प्रॉफिट होगा। अभी मेरी बात कर लो, से आई एम अ स्मॉल वेडिंग डेकोरेटर, मेरे पास अलग अलग टाइप की चेयर्स है, जैसे कि एक शिवारी चेयर्स है। अब उसका जो बैंड्रा में रेट है, वन चेयर द रेंट इज 200 रुपीज़, उसका एक्चुअल रेट 200 रुपीज़, सब लोग दे, आई गिव 400 रुपीज़, तो बिकॉज आई गेट मोर वर्क। जहाँ पर 200 रुपये में अगर आदमी दो बार लेके आता है तो 100 रुपये आदमी 5 बार लेके आ रहे हैं, तो आई एम गेटिंग मोर मनी बिकॉज ऑफ दैट। सो कम रेट में ज़्यादा पैसे कमाओगे। जैसे सिंगल स्क्रीन पहले थे वो लो रेट में पब्लिक आती थी, अगर फ्लॉप फिल्म होती तो भी 60% 70% पिक्चर हाउस हो जाती थी। जैसे कि सम्राट सिनेमा था मुंबई का सबसे बड़ा थिएटर, 1500 सीट्स थी उसमें, गोरेगांव में सम्राट सिनेमा 1500 सीट्स। उसके बाद मेट्रो सिनेमा 1450 सीट्स, ठीक है, सब सीट्स फुल हो जाती थी क्योंकि लो रेट्स थे। अभी इतने महंगे रेट्स हो गए तो अभी 300-350 सीट्स के सिनेमाज आए और फुल नहीं हो रहे। PVR, INOX, सिनेपॉलिस जितने भी मल्टीप्लेक्स है, क्योंकि पहले तो बॉलीवुड की फिल्म घटिया फिल्म आती है तो जो इतने महंगे रेट्स कोई आता ही नहीं, और अंदर जाके देखो तो पॉपकॉर्न समोसा के इतने हाई रेट्स हो जाते हैं। PVR में भी आता हूँ मॉर्निंग शो देखने के लिए, वहाँ पे पॉपकॉर्न 600 रुपये का है, 600 रुपये पूरे गाँव को पॉपकॉर्न खिला सकता है आदमी, तो एक आदमी का 600 रुपये का पॉपकॉर्न। जैसे इमेजिन, मतलब जो मल्टीप्लेक्स वाले को टिकट से कोई लेन देन नहीं दिया है, उन्हें जैसे कैंटीन में से कितना सेल हो रहा है, अगर 100 रुपये की टिकट है तो उसमें से मल्टीप्लाई 27 रुपीज़ मिलते हैं, तो वो तो इस वजह का 27 गया भाड़ में। अगर एक आदमी 600 का पॉपकॉर्न लेता है तो मुझे तो पूरा 600 में से मुझे 550 रुपये तो मिल ही जाता है। डैट इज़ दिस प्रॉफिट, इज नॉट बोल रहा द टिकट, इसी वजह से। और ये हाई रेट्स होते हैं कैंटीन के हाई रेट्स, टिकट्स के हाई रेट्स की वजह से, और घटिया फिल्म आने की वजह से INOX और PVR अपनी 50 स्क्रीन शट डाउन कर रहे हैं। तो आया तो विश वो पहले का दौर आ जाए जब अमित जी, धर्म जी, विनोद खन्ना, मिथुन चक्रवर्ती, उनके लिए लंबी लंबी कतार लगती थी एडवांस बुकिंग में, वो दौर आ जाए तो फिल्म देखने का मज़ा ही और होगा। देखते हैं क्या होता है। टिल देन की वॉच माई चैनल बॉय विद द मैट नियर्स बॉय, सेइंग गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।